कोरोना कर्फ्यू को लेकर राजगढ़ पुलिस प्रशासन हुआ सख्त। जिले के खुजनेर और पचोर में पुलिस ने दिखाई सख्ती। छुपके छुपके सामान बेचने वालों को लगाई फटकार। खुजनेर में बीएमओ व तहसीलदार ने प्रशासनिक अमले के साथ कार्रवाई। बिना वजह घूमने वालों का चौराहे पर कोविड टेस्ट किया, पॉजिटिव होने पर भेजा जाएगा कोविड सेंटर। शिवपुरी जिले के भामरखड़ा सरपंच परिवार ने बढ़ाया मदद का हाथ। सरपंच मनोरमा मोहन बड़कुल परिवार के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को एक ऑक्सीजन पोर्टेबल मशीन भेंट की। शादी की सालगिरह के अवसर पर दिया उपहार। कोरोना संक्रमित मरीज के इलाज में मिलेगी सुविधा। खरगोन जिले के सेगांव में प्रशासन हुआ सख्त। चेक पोस्ट पर प्रभारी तहसीलदार राकेश बर्डे व चौकी प्रभारी राजेंद्र अवस्थिया के नेतृत्व की चालानी कार्रवाई एवं सैंपल लिया गया। प्रशासन की सख्ती से बड़ी हलचल। चेक पोस्ट पर लगातार 2 घंटे तक चली सघन जांच पड़ताल। आने जाने वाले वाहन सवारों के स्वास्थ्य विभाग ने लिए सैंपल। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने अवैध शराब तस्कर के ठिकाने पर छापा मारकर लगभग 160 लीटर ब्रांडेड अंग्रेजी शराब बरामद करने में सफलता हासिल की है। क्राइम ब्रांच को मुखबिर के जरिए ये सूचना मिली थी कि शहर के हजीरा थाना इलाके में स्थित लेवल 3 बियर बार पर भारी मात्रा में अंग्रेजी ब्रांडेड शराब भंडारण करके रखी गई है। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन मुख्य सरगना अब भी क्राइम ब्रांच की गिरफ्त से बाहर है। सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में युवाओं की पहल। सिविल अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों एवं जरूरतमंद लोगों की मां नर्मदा रेत एसोसिएशन के युवा हिंदू मुस्लिम कौमी एकता मदद के लिए आया गया। बेसहारा और जरूरतमंदों के बीच भोजन का वितरण। होटल रेस्टोरेंट बंद होने के कारण मरीज और उनके परिजन हो रहे थे परेशान। कोरोना काल में धार जिले में मदद का सिलसिला जारी। रक्तदान महादान सेवा समिति निरंतर निःशुल्क रक्त प्लाज्मा दान के लिए आई आगे। गरीब और जरूरतमंदों के बीच जरूरी सामान का निःशुल्क वितरण। खाने पीने की वस्तुओं के साथ दवाई का किया वितरण। विदिशा में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तीसरी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। पुण्यतिथि के अवसर पर विदिशा विधायक शशांक भार्गव ने जिला अस्पताल को अपनी ओर से एक एम्बुलेंस भेंट की। स्वर्गीय राजीव गांधी के बताए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। बदनावर तहसील अंतर्गत ग्राम खिलेड़ी में बीते 2 दिनों से गांव के ग्रामीणों के द्वारा कोरोना संक्रमण के खात्मे के लिए अब जनता भगवान की शरण में पहुंचकर हवन पूजन कर रही है। गांव व प्रदेश को कोरोना वायरस से मुक्ति के लिए शीतला माता मंदिर व हनुमान मंदिर में पंडित सुभाष चंद्र चौबे नारायण चौबे के द्वारा गांव के यजमानों के द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ हवन में आहुतियां दी गई। साथ ही सुबह पूरे गांव में हनुमान मंदिर से पूजन कर चलित हवन नगर भ्रमण किया। इंदौर में युवती ने मौत को लगाया गले। 22 वर्षीय युवती ने अपने भाई के घर फांसी लगा कर दी जान। अज्ञात कारणों के चलते उठाया आत्मघाती कदम। युवती जबलपुर के एग्रीकल्चर कॉलेज CPSC कर रही थी। बाणगंगा पुलिस मार्ग कायम कर जांच में जुटी।